नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज बात करते हैं कुछ ऐसे बेलनुमा पेड़ों के बारे में जिनका डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करके हम अपने गार्डन को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अगर आपका मेन गेट है, एंट्रेंस है, तो आप उसको भी बहुत ब्यूटीफुल सा डेकोरेट कर सकते हैं। ये प्लांट बहुत ही हार्डी होता है और काफ़ी मात्रा में फ्लावरिंग करते हैं। तो अगर आप इसे मेन एंट्रेंस के में बनाते हैं या कोई अपने गार्डन में एक प्लेस बनाना चाहते हैं सुंदर सा, टेरिस गार्डन में भी अगर आप एक आर्च बनाना चाहते हैं या अपना टेरिस गार्डन का भी आप कोई गेट बनाना चाहते हैं, तो इन फ्लावर प्लांट को लगा के आप अपने गेट को बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना सकते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं ट्रम्पेट वाइन या टिकोमा वाइन ले लीजिए आप। रेड टिकोमा आता है, इसमें येलो टिकोमा भी आता है, ट्रम्पेट वाइन भी आती है, फायर बुश के प्लांट भी आते हैं। तो अभी मैं इनका नाम शेयर करूँगी, बाद में इनकी क्या टिप्स बताती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा अलमंडा का प्लांट। अलमंडा में अलमंडा की वाइन जो आती है वो वाइन रूपा होती है। इससे भी आप अपने एंट्रेंस को में अच्छा सा लुक क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट आता है, ये भी बहुत ही अच्छी वाइन है, बहुत ही अच्छी मात्रा में फुल फ्लावरिंग करती है, बहुत ही गुच्छों में फ्लावरिंग आती है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देती है। इसमें भी कई वैरायटी आती हैं, फ्लावर के कई डिफरेंट साइड आपको देखने को मिल जाएंगे मॉर्निंग ग्लोरी के। इसके साथ ही अगला प्लांट आता है हमारा मधुमालती का प्लांट। मधुमालती का प्लांट भी बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करता है। इसे आप अपने मेन एंट्रेंस में लगा सकते हैं, इसे आप अपने टेरिस गार्डन में भी लगा सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा आप अपने घर को लुक दे सकते हैं। कृष्ण कमल की बेल या पैशन प्लांट भी बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है, भी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करता है। इसको भी आप एंट्रेंस से अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं अपने गार्डन में। नेक्स्ट प्लांट आता है बुगनविलिया का प्लांट। इसको तो आप देखे होंगे कहीं जगह, ये पार्क में भी और हॉस्पिटल्स में भी देख सकते हैं आप, और कई अच्छे पब्लिक प्लेसों में, ऑफिस वगैरह में भी आप देख सकते हैं। इसे मेन गेट का अच्छा सा लुक दिया जाता है। तो बुगनविलिया भी एक ऐसा प्लांट है जिससे आप अपने घर में एंट्रेंस को डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट अपराजिता का प्लांट है, ये भी बेलनुमा प्लांट है और इसे भी आप डिफरेंट रूप से यूज़ कर सकते हैं। और ब्लीडिंग हार्ट का प्लांट भी एक बेल है, बहुत ही अच्छी बेल है, इसमें भी काफ़ी अच्छे मात्रा में फ्लावरिंग आती है, गुच्छों पर फ्लावरिंग होती है। तो ये जितने भी प्लांट हैं गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं, इनसे अगर आप अपने गार्डन के या अपने घर के मेन गेट को डेकोरेट करते हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आता है, घर हरा भरा सा लगता है और बहुत अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होने के बाद फ्लावर भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो घर का लुक एक अलग ही क्रिएट होता है। तो अगर आप ज़्यादा फ्लावर ना प्लांट ना लगा के अगर इन वाइन वाले प्लांट्स को मेन एंट्रेंस में लगा दें तो आपका घर बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। साथ ही ये प्लांट बहुत हार्डी होते हैं, अगर आप इन्हें ज़मीन में लगाते हैं तो इन्हें किसी भी तरह की ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इन्हें अपने टेरिस गार्डन में लगा रहे हैं तो इन्हें आप फ्लावरिंग पॉट दे रहे हैं तो आपको इनको अच्छा सा 30-25 इंच का फ्लावरिंग पॉट देना पड़ेगा और आपको अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र भी आपको 2 या 3 महीने में देनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्लांट काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करते हैं और ग्रोथ भी काफ़ी लेते हैं, काफ़ी इनकी हाइट बढ़ती है, इसीलिए इन्हें अच्छी मात्रा में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो फर्टिलाइज़र में आप इन्हें गोबर की खाद और बर्मी कंपोस्ट अगर आप देंगे तो ये बहुत ही हेल्दी ग्रो करेंगे। ये दोनों खाद ही इनको बहुत ही अच्छी एनपीके, पोटाश और इनकी फ्लावरिंग के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड करेंगी, तो ये फर्टिलाइज़र इनके लिए बेस्ट होती है। तो आइए फर्टिलाइज़र दीजिएगा और इन वाइन को अपने घर में गार्डन में जरूर जगह दीजिए, बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग प्लांट हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।